हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एस के एजुकेशन में। आज जो हम करंट अफेयर्स हैं वो 14 दिसंबर 2019 के आपके सामने लेके आए हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा 21 दिन में रेपिस्ट को फांसी दिए जाने को लेकर कानून बनाने हेतु एक प्रस्ताव मंजूर किया है? आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, तेलंगाना सरकार द्वारा या फिर असम सरकार द्वारा? तो इसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश द्वारा। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में कितने पूर्वोत्तर राज्यों में इनर लाइन परमिट लागू कर दिया गया है? 2, 3, 4 या फिर 5? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 4। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस मनाया जाता है? 11 दिसंबर को, 12 दिसंबर को, 13 दिसंबर को या फिर 14 दिसंबर को? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 12 दिसंबर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के स्टार फुटबॉलर सुनील छेत्री को कितने वर्ष हेतु पूमा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या फिर 7 वर्ष? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 3 वर्ष। पुमा जो कंपनी है ना, जिसके काफ़ी शूज भी आते हैं, कपड़े भी आते हैं, तो उनका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है सुनील छेत्री को, फुटबॉलर खिलाड़ी हैं उनको। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, फोर्ब्स द्वारा हाल ही में जारी विश्व की सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची में निर्मला सीतारमण किस स्थान पर है? 34, 87, 69 या फिर 24? तो इसका सही जवाब है 34, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। और निर्मला सीतारमण कौन है? भारत की फाइनेंस मिनिस्टर है वो। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, फ्रेंड्स अगर आपको हमारे किसी भी क्वेश्चन या आंसर के अंदर अगर किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी असुविधा हो रही है वीडियो से रिलेटेड तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। अगर आपको ये पीडीएफ फाइल चाहिए तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। आप चाहे तो साथ ही साथ अपने जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन के अंदर भी लिखते रहें। प्रतिवर्ष किस तारीख को यूनिसेफ का स्थापना दिवस मनाया जाता है? 10 दिसंबर को, 13 दिसंबर को, 11 दिसंबर को या फिर 9 दिसंबर को? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 11 दिसंबर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, किस पूर्व क्रिकेट कप्तान को दक्षिण अफ्रीका के पहले क्रिकेट निदेशक नियुक्त किया गया है? फाफ डू प्लेसी, ग्रीम स्मिथ, इमरान ताहिर या फिर लुंगी नीडी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ग्रीम स्मिथ को। अगला प्रश्न है, अल्बर्टे फर्नांडीज ने नेशनल कांग्रेस में एक समारोह में किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? अर्जेंटीना, नेपाल, इराक या फिर ब्राजील? तो इसका सही जवाब है अर्जेंटीना। हाल ही में किस देश में दुनिया के पहले पूरी तरह इलेक्ट्रिक कमर्शियल विमान का सफल परीक्षण किया गया? अमेरिका, कनाडा, जर्मनी या फिर फ्रांस? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कनाडा। नेक्स्ट प्रश्न है, इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2019-20, 2019-20
रोजगार हासिल करने की क्षमता में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश, तेलंगाना, असम या फिर महाराष्ट्र? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, द्रज पुल किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? दिल्ली में, लद्दाख में, जम्मू कश्मीर में या फिर चंडीगढ़ में? तो इसका सही जवाब है जम्मू कश्मीर। दोस्तों आपको तो पता ही होगा कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर भारत के दो नए केंद्र शासित प्रदेश बने हैं, तो आप इनको भी एक बार अच्छे से देख लीजिए। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने किस एयरपोर्ट में पार्किंग के लिए फास्टैग को पायलट बेसिस पर लॉन्च किया है? चंडीगढ़ में, हैदराबाद में, दिल्ली में या फिर बेंगलोर में? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, हैदराबाद। और उस फास्टैग का नाम रखा गया है फास्टैग 2.0। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, कॉमेंट एंड शेयर दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।